Assalamualaikum everyone, this is me मेहरीन दानिश। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बहुत मज़े में हूँ। आज का जो व्लॉग है ना, वो बहुत ही मज़े का होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बिरयानी लवर्स हैं। अच्छा, बहुत ही शदीद गर्मी है। इधर खड़े होकर ना क्यों बना रही हूँ, इंट्रो क्यों दे रही हूँ, क्योंकि घर से इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट में निकली हूँ कि वहाँ पर ना व्लॉग बनाने ही भूल गए। फिर मैंने ऊबर वाले को रोका, मैंने कहा पहले मुझे व्लॉग स्टार्ट करने दो, उसके बाद हम लोग चलते हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं लाहौर की बेस्ट फेमस 5 जो है ना बिरयानियों के पॉइंट स्पॉट करने के लिए। वहाँ पे जाके देखेंगे किसकी अच्छी है। नंबर 1 पे जो है ना वो है, वो जी है वकास बिरयानी। वो मैंने पहले खाई हुई और वाकई वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ना उसके एक एक राइस से बिरयानी का ना स्मेल और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चमन आइसक्रीम जिधर है ना, वहाँ से हम लोग एंटर हुए हैं और ये आपके सामने आ गया जी वकास बिरयानी हाउस। और यहाँ पे माशाल्लाह बहुत रश होता है, तो चलें बिरयानी चेक करते हैं। ये है जी इनकी बिरयानी, इसके अंदर ये लोग सैलड भी देते हैं, रायता भी देते हैं और एक शामी भी देते हैं। तो चलें हम लोग इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पे बैठ के मैं अपनी बिरयानी इंजॉय करूँगी, आगे आपको बताती हूँ कि क्यों। अच्छा, इनके पास ना फैमिली हॉल भी है, ये देखें मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैं बाहर बैठ के क्यों खा रही हूँ, वजह सुने। सो माई फर्स्ट पॉइंट इज बिरयानी का वकास बिरयानी। ये हॉल रोड पे है, कोई बहुत ही फेमस है। आप इसको गूगल पे डालें, किसी से पूछ लें, लोग आपको बता देंगे कि जी वकास बिरयानी किधर। अच्छा, इनके पास बैठने के लिए काफ़ी एम्पल प्लेस है, लाइक फैमिली हॉल भी है और जो जेंट्स हैं वो अलग भी बैठ सकते हैं। लेकिन मैं बाहर खड़े होकर व्लॉग बना रही हूँ, मुझे बोलना था, व्लॉग बनाना था, लोग डिस्टर्ब होते हैं तो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं अपनी बिरयानी ले आई हूँ चिंगचिंग के ऊपर और यहाँ पर बैठ के मैं बिरयानी टेस्ट करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी। टेस्ट तो वैसे मैंने पहले भी की है, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन चले आज फिर आप लोगों के साथ टेस्ट करते हैं। अच्छा ना, ये बिरयानी कम और पुलाव ज़्यादा लग रहा है, लेकिन बेसिकली ये है बिरयानी और मुझे लगता है कि 2 लोगों के लिए ये इनफ है। बहुत बड़ी प्लेट है, एक बंदा नहीं खा सकता। और जो इसकी प्राइस है ना वो है 680 रुपीज़। तो चलें जी इसको ट्राई करते हैं। मैंने पहले ट्राई की हुई है। अच्छा, इसके अंदर ना 2 चिकन के पीस उन्होंने लिए हैं, तो मुँह में पानी आ रहा है और भूख भी बहुत ज़बरदस्त लगी है। सो लेट्स ट्राई। ऐसी बिरयानी ना सीरियसली आपको पूरे लाहौर में कहीं नहीं मिलने वाली है, मैं गारंटीड आपको कह रही हूँ। तो अब हम लोग ये शामी ट्राई करते हैं, रायता। बहुत ही सुपर ज़बरदस्त लेवल है इसका। और आपको पता है बिरयानी हमेशा ना रायते और सैलड के साथ ही बहुत मज़े की लगती है। मैं इसको रेट करूँगी 10/10। आप लोग मेरे कहने पर ना इसको आके ज़रूर ट्राई करें और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूँगी। हाल रोड से अब हम लोगों ने रुख किया लिबर्टी की तरफ। ये आप देखें मेरे लेफ्ट साइड पे जो है वो लिबर्टी मार्केट है और आगे से यू टर्न लेके राइट साइड पे आएगी ये मास्टर बिरयानी। तो चलें जी इसके अंदर चलते हैं और पहले हम लोग मेन्यू चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, नंबर 2 पे जो है ना फॉर मी वो है मास्टर बिरयानी। शायद आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा होगा, मैं जब लिबर्टी आती हूँ ना यहाँ से बिरयानी ज़रूर लेके जाती हूँ, क्योंकि इनकी बिरयानी भी बहुत मज़े की होती है। लेकिन आज मैंने आपको बैठ के खा के दिखानी है। वैसे ना इनके पास बिरयानी की इतनी वैरायटी है, मैंने आपको मेन्यू दिखाया, बीफ बिरयानी है, पिज्ज़ा कबाब बिरयानी है, लेकिन अभी फ़िलहाल चिकन बिरयानी खाएँगे, क्योंकि मैंने बेस्ट बिरयानी का व्लॉग रखा है। उसके बाद किसी दिन हम लोग व्लॉग बनाएंगे जिसमें वियर्ड बिरयानी जो है ना वो हम लोग ट्राई करेंगे, जैसे पिज्ज़ा बिरयानी है, बीफ बिरयानी है। तो अभी देखते हैं, वैसे तो 5 मिनट में ऑर्डर आ जाता है। वेटिंग। अच्छा, आप लोग ना सोच रहे होंगे कि बिरयानी तो बड़ी कलरफुल सी होनी चाहिए, लेकिन ये मैंने थोड़ी सी नॉन स्पाइसी बिरयानी बनवाई है, क्योंकि फिर वो जब आप उनसे कहें ना कि नॉन स्पाइसी, तो वो थोड़े से ऊपर वाइट राइस डाल देते हैं। तो चलें जी अब हम लोग ये ट्राई करते हैं। अच्छा, साथ इन्होंने रायता दिया, कोई सैलड कोई कुछ नहीं, और इसकी प्राइस है 380 रुपीज़।
लेकिन ये ना बाकी बिरयानियों से बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ही फ्लेवरफुल है, लाइक बकास बिरयानी का जैसे मैंने आपको रिव्यू किया है कि वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन आप देखें उनके साथ सैलड भी होता है और साथ शामी भी होता है। अच्छा जी, अब हम लोग ट्राई करते हैं इनका मीट, वैसे एज ऑलवेज ना बहुत टेंडर होता है। फॉर मी इट्स 8.5/10। अच्छा, मैं 8.5/10 क्यों दे रही हूँ, क्योंकि मैंने एक और जगह डिस्कवर की है जो कराची की ना नली बिरयानी लाहौर में आई है, तो मैं सोच रही हूँ कि अगर वो बहुत अच्छी हुई तो फिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ कि उसको नंबर 2 दे के उसको नंबर 3 दे दूँगी। तो बहरहाल फॉर मी इट्स वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत ही डिलीशियस। आप लोग कभी भी यहाँ पे आए, ये बिल्कुल लिबर्टी, लिबर्टी के सामने वैरायटी बुक स्टोर और उसके बिल्कुल सामने है ऑस्टर बिरयानी, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, बहुत आउट क्लास है, तो मैं आपको हाईली हाईली रिकमेंड करूँगी। तो अब चलें चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्लेस पे। थर्ड प्लेस इज दिस, ये नलीपुर, ये बिल्कुल लाहौर में नई इंट्रोड्यूस हुई है, ये कराची का जो टेस्ट है ना वो लाहौर में लेके आए हैं। और चलिए जी चेक करते हैं और फिर आपको बताते हैं। इट स्मेल्स सो गुड, आप लोग बिलीव करें कि इतनी अच्छी एक ना वो बीफ की और नली की स्मेल आ रही है। अच्छा, जो तो इन चीज़ों के लवर है ना उनको तो मेरी फीलिंग्स का बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा होगा। अब ये देखिए हमें दूसरी प्लेट में निकाल के दे रहे हैं और अब हम ट्राई करते हैं। अच्छा जी, जो नली बिरयानी है ना ये जो है बीफ में आपको अवेलेबल है, चिकन में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो नली होती है वो बीफ की होती है, तो जो तो मेरी तरह बीफ लवर्स है ना उनके लिए तो ये दी बेस्ट है। तो मैं कुछ ऐसे कह रही हूँ, थोड़ा सा बीफ, थोड़ी सी नली है और इसको ऐसे, और अब हम लोग इसको ट्राई करेंगे। बहुत ही सुपर से भी ऊपर वाला लेवल है, बहुत ज़बरदस्त है। ये आपको सिर्फ 20 में मिलेगी और इसकी जो प्राइस है ना वो है 680 रुपीज़। तो मुझे तो ये बहुत 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 पसंद आई है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। मैंने ट्राई भी फर्स्ट टाइम ही ये की है, तो आप लोग भी मेरे कहने पे इसको ट्राई करें। ये देखिए इतना टेंडर इसके अंदर बीफ है, ठहरे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इतना टेंडर बीफ है कि ज़रा सा आप इसको टच करते हैं ना और ये खुल जाता है। अच्छा, मैंने ना नली निहारी खाई भी थी, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि जो नली बिरयानी में भी आएगी, लेकिन आप यकीन करें कुछ जो टेस्ट होते हैं ना वो बहुत वियर्ड होते हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस बहुत वियर्ड होते हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़े का लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त। मैं इसको रेट करूँगी 9.5/10। बेसिकली ना मेरे लिए जो मटका बिरयानी है ना, मुझे तो ये बिल्कुल एक आर्ट लग रहा है। ये देखें जी, इन्होंने अब इसमें यखनी ऐड किया, चिकन पहले ही हाफ कुक था और जो सारी वेजिटेबल्स हैं ना वो इसमें इन्होंने कच्ची ऐड कर दी हैं, थोड़े से इसमें जो मसाला जात ने अपने, मुझे लग नहीं रहा कुछ ऐसा कोई हिडन स्पाइस इन्होंने डाला, बहुत बेसिक से मसाले हैं जो इन्होंने सबके सामने ये लोग डाल रहे हैं। और इसके बाद अब ये लोग, ये कोई सॉस है, अब जाहिर सी बात है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि हर अच्छी रेसिपी का ना कोई सीक्रेट होता है और इसका भी यही सीक्रेट है जो ये इसमें सॉस वगैरह ऐड करें। जी तो द फोर्थ पॉइंट इज दिस, ये मटका बिरयानी जो लोकेशन है ना वो मैं आपको पिन कर दूंगी। बिरयानी बनने का आपने तरीका देख लिया। अच्छा, ये लोग बता रहे हैं कि
ये पहली बिरयानी वाले ऐसे, मतलब आपने बहुत जगह पे मटका बिरयानी खाई होगी, लेकिन ये फर्स्ट ऐसी प्लेस है जो बिरयानी है वो कुक करते हैं इसके ऊपर, कोयले के ऊपर और मटके के अंदर। अदरवाइज़ ये होता है कि बिरयानी बना के और उसको फिर मटके में लगा के और बस सामने प्रेजेंट कर देते हैं। और बाकी भी मैं आप लोगों के सामने टेस्ट टेस्ट भी करती हूँ, मतलब मुझे तो ऐसे लगता है जो टेस्ट होते हैं ना वो एक्सप्रेशन के ज़रिए पता चल जाते हैं। अगर कोई अच्छी चीज़ होती है तो आपके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है, अगर कोई अच्छी चीज़ आप नहीं खा रहे हो तो भी आपको आपके एक्सप्रेशन जो हैं वो बता देते हैं। लाइक मेरे तो एटलीस्ट आप लोगों को बता देंगे कि कैसी है। बहरहाल मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी है। फोर्थ नंबर पे मैंने इसको टेस्ट के अकॉर्डिंगली नहीं रखा, हाँ लेकिन विज़िट के अकॉर्डिंगली आप कह लें तो इसको मैंने नंबर फोर पे रखा है। लेकिन मतलब शायद हो सकता है आप लोगों के जो टेस्ट बर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंगली ये वन और टू पे भी हो सकती है। तो अगर आपको इनके अलावा कोई, मतलब पॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा है लाहौर पे, तो हाशा भरा हुआ है, लेकिन मैंने कोशिश की अपनी तरफ से पूरी कि आप लोगों को ऐसे मतलब चुन चुन के पॉइंट्स बिरयानी के निकाल के दिखाऊँ कि आप लोगों को मज़ा आए खा के भी। और इंशाल्लाह ताला आएगा भी, तो चले आप लोग विज़िट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आपने देखी है कि बिरयानी हमारी आ गई है, उन्होंने कितने बेहतरीन तरीके से सर्व की है। अच्छा जी, ये ना मैंने पहले भी एक बार खाई है, लेकिन वो पैक करवाई थी और मटके में इसको हम लोग घर ले गए थे, लेकिन आज आप लोगों के सामने मैं यहाँ पे बैठ के खाऊंगी। बिलीव करें इसका इतना ज़बरदस्त टेस्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब लगता है कि एक एक जो है ना राइस के दाने में वो बिरयानी। थोड़ी सी स्पाइसी है, लेकिन ये आपसे पूछते हैं कि आपको मतलब नॉन स्पाइसी चाहिए, स्पाइसी चाहिए या माइल्ड सी चाहिए, तो मैंने इनसे कहा था कि ज़रा मतलब स्पाइसी रखिएगा, क्योंकि बिरयानी का मज़ा ही थोड़ी स्पाइसी हो तो फिर आता है। जस्ट वाओ, बहुत ज़बरदस्त है, सुपर से ऊपर वाला इनका लेवल है। यहाँ पे ना मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ इनके ऑनर के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये है मटका बिरयानी के ऑनर। मुझे ये बताएं ये आपको कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, क्योंकि मैंने पहले बहुत सी मटका बिरयानी ट्राई की हैं, तो वो ये होता है कि बना के और फिर उसके अंदर फिल कर देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इस तरह लाइव मटका कोई भी नहीं बना रहा। जी बिल्कुल, हमें 4 साल हो गए यहाँ पे लाहौर में और लाइव बिरयानी हम ही बना रहे हैं। अभी आपके व्यूवर्स देखेंगे, आपने जो वीडियो बनाई है उसमें कि हमारे यखनी अलहदा है, राइस अलहदा है, चिकन अलहदा है और मसाले हमारे सारे अलहदा है, फिर ग्रीन मसाला जो है वो भी अलहदा है। बिल्कुल, उसके बाद ये कोयलों पे रख के इसको पकाते हैं। जी बिल्कुल, सिर्फ गर्म करके नहीं देते जी। मैंने अपनी ऑडियंस को मटका बिरयानी बना रहे हैं ना, वो बिरयानी मटके में डाल के उसको सेल कर देते, सर्व कर देते हैं जी। ऐसा नहीं है, हमारी बिरयानी मटके में ही पकती है। अच्छा, तो जो आपके कुक हैं या शेफ हैं, इनको प्रॉब्लम नहीं हुई इसके ऊपर बिरयानी बनाने में, क्योंकि कुकिंग टाइम तो काफ़ी डिफरेंट होता है? प्रॉब्लम तो जो थी ना वो हमने प्रैक्टिस में उसको सॉल्व कर लिया था। अच्छा ठीक है, कम से कम 6-7 महीने इसमें हमने प्रैक्टिस किया। अच्छा, उसके बाद हम इसको जो है वो लेके आए मार्केट में। लेकिन वाकई इसका टेस्ट वाकई ही इतना अच्छा है कि लग रहा है कि प्रैक्टिस करने के बाद, और बहुत ज़बरदस्त। लाइक जो चावल है ना उनको बिल्कुल कोई वो नरम नहीं हुए हुए, कोई ख़राब नहीं हुए हुए। जो चिकन है वो बहुत ही अच्छा टेंडर है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं है, मतलब अंडर कुक नहीं है, बहुत बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा जी, आप बता रहे हैं हमारा कैटरिंग का काम भी है। जी ठीक है, शादी के फंक्शन या देखे वगैरह, बिरयानी के अलावा भी कराची से रिलेटेड कोई स्पेशलिटी जो चीज़ कहेंगे तो वो हम बना के देते हैं। जी ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो ये देखें जी, मैंने उनका इंटरव्यू लिया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाए अगर आप लोग यहाँ पे आए तो आपको क्या टेस्ट चाहिए। जो मटका बिरयानी है ना, इसका कोई कंपटीशन नहीं है, वो इसलिए कि अगर आपने मटका बिरयानी का कोई कॉम्पिटेंट ढूंढना है ना, तो एटलीस्ट आपको वो मटका बिरयानी के लेवल का ही ढूंढना चाहिए, क्योंकि बाकी सब तो नॉर्मल बिरयानीज ही हैं। तो ये मैं आपको फोर्थ नंबर पे मैं इसको इसलिए लाई हूँ, मैंने आपको फिर कहा है कि नंबरिंग वाइज लाई हूँ, अदरवाइज़ मटका बिरयानी में इनका टेस्ट जो है वो लाहौर में दी बेस्ट टेस्ट है। तो मैं आप लोगों को अगेन फिर रेकमेंड करूँगी, सजेस्ट करूँगी कि आप इस प्लेस पे मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर आएँ और ट्राई करें, और फिर मुझे कमेंट्स में बताएँ कि आपको ये कैसी लगी है। अच्छा जी, ये इनका कार्ड है जो कि मैं स्क्रीन पे भी अटैच कर दूँगी पिक्चर लेके। और इनकी जो सबसे बेस्ट पॉलिसी है वो ये है कि जहाँ जहाँ ऊबर क्रीम की सर्विस जाती है ना, ये लोग आपको होम डिलीवरी देते हैं। जो सिंगल पर्सन है वो ऑलमोस्ट 500 है, जो 2 पर्सन की है वो 900 की है।
तो आप लोग ज़रूर ऑर्डर करवाएं, आके विज़िट करें। जैसे मतलब बहुत गर्मी है, मुझे लगता है नॉर्मली लोग निकलना पसंद नहीं करते हैं, तो बहुत सहूलत है कि आप लोग इसको घर में भी मंगवा सकते हैं। मैं इसको रेट करूँगी 10/10। तो चलें जी, चलते हैं अपनी अगली प्लेस पर, उसको विज़िट करते हैं। इनका रेट लिस्ट आप चेक कर लें। ये देखिए, मैंने रास्ते से अपनी कटिंग भी करवा ली है और अब हम लोग पहुंचे हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, कराची की सीख बिरयानी। कराची वालों का ये एक पॉइंट है, यानी कि कराची की ये ब्रांच है, कराची नसीब बिरयानी। ये लोग कहते हैं कि हमारे सारे जो मसाले हैं वो कराची के हैं, और देखने में भी ना सारी बिरयानियों में ये सबसे ज़्यादा कोई चटपटी और मज़ेदार सी लग रही है। तो चलें जी, इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि ये कैसी है। वैसे मैंने इसको पहले ट्राई किया है, लेकिन फिर आप लोगों के लिए इसको दोबारा ट्राई करें ना। आलू की जो क्वान्टिटी है वो ज़्यादा है और इसकी जो प्राइस है वो 300 है, ठीक है ना। उसके हिसाब से इन्होंने एक चिकन दिया है। आजकल वैसे चिकन भी सस्ता हुआ है, लेकिन बहरहाल स्मेल सो गुड, तो ट्राई करते हैं। बहुत अच्छी है, थोड़ी ज़्यादा स्पाइसी है, लेकिन अच्छा। इन्होंने ना साथ सैलड हमें दिया, ना हमें रायता दिया, और जो टेस्ट है ना, लाइक मैं इसको दूंगी 7.5/10, क्योंकि ये थोड़ी स्पाइसी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्पाइस होने की वजह से ना किसी भी खाने में जो उसके फ्लेवर्स हैं ना, वो एटलीस्ट मुझे तो समझ नहीं आते। तो चलें जी, अब मैं ब्लॉग, अच्छा जी, साथ ही हम लोग इसका पहले मीट भी टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि मीट का बहुत कमाल होता है। गिर गया मेरे स्पून से। मीट भी बहुत टेंडर है, जो स्पाइस है ना वो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। लाइक चिकन में भी बहुत ज़्यादा स्पाइस दिया हुआ है, पोटैटो में भी बहुत ज़्यादा स्पाइस दिया हुआ है, राइस में भी बहुत ज़्यादा स्पाइस दिया हुआ है, तो टेस्ट का इतना पता नहीं चल रहा है। या शायद अगर मुझे कराची वाले लोग देख रहे हैं तो आप लोग मुझे बताएं कि बिरयानी इतनी ही स्पाइसी आप लोग खाते हैं, बिरयानी इतनी ही स्पाइसी होती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये थी आज की मेरी कुछ छोटी सी एफर्ट आपके लिए। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, मेरी एफर्ट कैसी लगी है, और आपको इनके अलावा अगर कोई बहुत ज़बरदस्त फेमस बिरयानी के पॉइंट्स बताऊँ तो भी मुझे बताइएगा। मैं उनको भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर ट्राई करूँगी और आप लोगों भी उसको रिव्यू करूँगी। तो चलें जी, अब तो मेरी बस हो गई है, सुबह सेम क्लीन हूँ, तो चलें जी, अब मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए चाचा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपने और अपने ख्याल रखिएगा।